नमस्कार साथियों, आप देख रहे जागरूक जनता न्यूज चैनल में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। अड़सठवीं जिला स्तरीय 19 वर्षीय कबड्डी प्रतियोगिता सातर वर्ग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपराली में कल शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में कुल 71 टीमों के 852 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दूसरे दिन काफी रोमांचक मुकाबले हुए। जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए क्षेत्र के हजारों की संख्या में दर्शक और ग्रामीण लोग मौजूद रहे। यह प्रतियोगिता 11 सितंबर को समाप्त होगी। खेल के दूसरे दिन बासड़ाऊ मरुधर विद्यापीठ धोरिमना खारवा कातरला खिलेरियान कादी कापार चिहार इसरोल शिवला काडर ढोक मालपुरा पुंजापिरी ताराला गुमना रामचारण की ढानी चारला सोखला अमलियाला चौबला जैतमाल गुल्ले की बेरी संस्कार सिल्डन सिद्रत भाड़मेर बाटाडू चगरानियों की बेरी अरबी का गफन और मेजबान टीम पीपराली ने दहावली को एक तरफा हरा कर 41-10 अगले चरण में प्रवेश किया। आज प्रतियोगिता के 25 मैच खेले गए। प्रतियोगिता सचिव अशोक कुमार बिश्नोई लिखमाराम बहाबू और रमेश कुमार बैरट सुमेर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 सितंबर को मैच नंबर 45 के आगे के मैच प्रातः 7:30 बजे से शुरू होंगे। समस्त खिलाड़ियों दल प्रभारियों व्यवस्थापकों के भोजन की व्यवस्था ग्रामीणों द्वारा की गई। समापन 11 सितंबर को होगा। खेल मैदान व्यवस्था विद्यालय और शनिदेव मंदिर के मध्य स्थित स्टेडियम में चल रही है, जिसका लाइव प्रसारण केसु सियाग गोमा राम छियोर और अशु राम जी सियाग के द्वारा किया जा रहा है। सभी स्मृति चिन्ह गणेश सारण के द्वारा और सहाय व्यवस्था थोरी परिवार पीपराली के द्वारा की गई। पानी टैंकर सेवा माछरा परिवार के द्वारा तथा एक टाइम खीर पूरी व छाया टेंट नगाराम बैरड व कासबाराम बांबू के द्वारा चल रही है। जिला स्तरीय ये प्रतियोगिता 11 सितंबर को समाप्त होगी। ऐसी और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। हमारे से संपर्क करने के लिए दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद।